तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एन चैनल का जो ये मॉसफेट होता है इसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है। मेरे पास फ़िलहाल ये 4N60 नंबर का मॉसफेट है और इसको टेस्ट करने के लिए आप क्या करें, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी की रेंज पर रखें और इसकी पहली पिन जो होती है गेट, दूसरी ड्रेन, तीसरा सोर्स होती है। पर आप सिर्फ इतना याद रखें कि 1, 2 और 3 नंबर की पिन। अब इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीमीटर की जो ये काली वाली प्रॉब है इसको बीच वाली पिन पर रखिए और लाल वाली को तीसरे नंबर की पिन पर रखिए। अब आप रीडिंग देखे होंगे लगभग 526 के करीब है। अब इस कंडीशन में इसमें ना तो बीप की साउंड आनी चाहिए और अगर ये रीडिंग इशू ना करे तो इसका मतलब ये ओपन है, बीप की साउंड आ रही है तो ये शॉर्ट है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ब्लैक प्रॉब को बीच वाली पिन पे रहने दें और लाल वाली को फर्स्ट पिन पे टच करें, आप देखेंगे कोई रीडिंग नहीं आ रही। अब यदि आपको इस कंडीशन में कोई बीप की साउंड सुनाई देती है या कोई रीडिंग दिखाई दे तो ये शॉर्ट माना जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, आपकी लाल वाली प्रॉब को वापस से तीसरे नंबर की पिन पे लगाइए। ये देखिए रीडिंग कम हो गई, लगभग आधे से कम रीडिंग आपको मिलेगी। अब इस समय रीडिंग आ रही है 168। अब इसके बाद आपने क्या करना है, पहले और दूसरी नंबर की जो पिन है उसको केवल एक बार फिंगर से टच कर दीजिए। फिंगर से टच करा, अब आप रीडिंग देखेंगे लगभग वापस वहीं उसी रीडिंग पे आ गई जो उसकी पहले आ रही थी। तो इसका मतलब ये वाला मॉसफेट सही है। और मॉसफेट ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही आपका ओपन रहेगा या शॉर्ट रहेगा। मेरे पास एक ही मॉसफेट है इसको मैं भी आपको दिखाता हूँ। इसकी टेस्टिंग में आप करेंगे तो ये देखिए 523 के करीब। अब मैं इसकी फर्स्ट पिन पर लगाता हूँ लाल वाली प्रॉब, वापस से थर्ड पे लगाऊंगा तो ये देखिए ये रीडिंग तो आ रही है लेकिन ये रीडिंग लगातार अपने आप बढ़ती जा रही है। तो इस कंडीशन में आप मॉसफेट को लीक वीक जो आपकी इच्छा चाहे कह सकते हैं, लेकिन कुल मिला के ये ख़राब माना जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने ये ब्लैक प्रॉब को बीच में लगाया और रेड प्रॉब को इसके तीसरे नंबर की पिन पर लगाता हूँ, ये रीडिंग आ रही है। तो ये जो रीडिंग होती है ये आपके मॉसफेट के नंबर के हिसाब से थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है। इसके बाद वो क्या करेंगे, इसको पलट ये उल्टी लगा लेंगे, ब्लैक को तीसरे नंबर पे, रेड को दूसरे नंबर पे कोई रीडिंग नहीं आई तो वो अपना मॉसफेट सही मानेंगे। लेकिन ऐसी कंडीशन में जो ये वीक मॉसफेट होते हैं वो टेस्ट नहीं हो पाते और वो आगे आप सर्किट में इस मॉसफेट को लगा देंगे तो फिर उसके बाद पूरे बोर्ड में अपना फॉल्ट ढूंढते रहेंगे, आपको फॉल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छा है कि एक बार इसको जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आप इसको चेक कर लें। ये देखिए रीडिंग बढ़ती जा रही है, ये गलत है। ओके बाय बाय फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।